Hello, assalamu alaikum. Hi and welcome to my channel once again. Groomyfire with Iram, jinhone aaj mujhe join kiya hai, unko main batati chalu ki mera naam hai Iram. Aur abhi right now I'm on my way to attend one of my friend's birthday. She is very special to me and she is very dearer to me. Aur uski ek khasiyat hai, matlab मेरे पास उसकी तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं है, बिकॉज़ यू कैन से कि हर इंसान की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है एंड शी इज़ माय एन इंस्पिरेशन. उस जैसी मज़बूत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी. उसकी और मेरी दोस्ती फेसबुक के थ्रू हुई थी एंड ऑन दैट टाइम यू कैन से इट्स बीन 7-8 ईयर्स, 7-8 सालों से वो मेरी दोस्त है. और उसको देख के पता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत से मुकामात पर इस काबिल हो सकी कि मैं अपने आप को मजबूत कर सकूं कि अगर वो ये सब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती. हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर मौजूद होता है जिसको देख के हमें हिम्मत मिलती है, और वो सिर्फ मेरी नहीं, वो लाखों इंसानों की हिम्मत है. उसका नाम है आयशा मलिक आवान. अभी मैं थोड़ी देर में बस निकल रही हूँ, उससे मिलने के लिए जा रही हूँ. आज है उसका बर्थडे एंड और भी बहुत से लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं एंड आई विल डेफिनेटली इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ़ यू गाइस विद हर कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल्स की हैं और वो किस तरह से आज इस मुकाम तक आई है. शी इज़ स्पेशल पर्सन और वो वाकई स्पेशल है. उसने इस चीज़ को साबित किया है कि हमारी जिस्मानी कमी कोई कमी नहीं होती है, ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक गेम होता है, ये हमारे दिमाग की सिर्फ एक खेल होती है. तो हमें अपनी जितनी भी कमियां हमें मौजूद हैं, बहुत से मैंने प्रॉपर इंसानों को देखा है जो फिज़िकली बिल्कुल फिट हैं मगर वो फिर भी कुछ नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर पता नहीं माइंड के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है. हमें उस चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत है कि हम अपने लिए एक एम पैदा करें, हम अपनी विल को मजबूत करें कि इनफैक्ट अगर ज़िंदगी में हम अपनी कोई भी ऐसी चीज़, अपने बॉडी पार्ट को लूज़ करते हैं, अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर भी हम अपने आप को मजबूत रख के चलें क्योंकि हमने इस दुनिया में रहना है और हमने अपनी हर कमी को अपनी ताकत बनाना है, ना कि कमज़ोरी. हमने अपनी हर उस कमज़ोरी को ताकत के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश करना है और साबित करना है कि हमसे मजबूत कोई नहीं है. एंड आयशा, यस, यू आर वन ऑफ देम. मेरे पास कहने को अल्फाज नहीं है. आई विल जस्ट सल्यूट यू ऑल ऑफ़ योर स्ट्रगल्स. ये वो बंदी है जिससे मैं बात करती थी, ये कहती थी कि यार मेरा आईडी कार्ड बनने वाला है मगर मैं वो बनवाने नहीं जा सकती. मगर इतने सालों में ये कहाँ से कहाँ तक आई है. यहाँ पे अभी आपको मैं कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी और अभी उससे जाके आज जो थोड़ी सी पार्टी होने वाली है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी. सो स्टे विद मी एंड आई विल डेफिनेटली इंट्रोड्यूस यू आयशा मलिक आवान. PSL डायरीज. So guys, finally मेरे साथ इस टाइम आयशा मलिक अवान मौजूद हैं. मेरी बहुत ही प्यारी सी ये दोस्त है, जैसे मैंने इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाया है. शी इज़ माई इंस्पायरेशन. और ये बात इसको मैं बहुत अच्छे से कहती थी मगर मे बी इसे अभी भी यकीन नहीं है. बट शी इज़ द वन एंड ओनली गर्ल जो मेरी इंस्पायरेशन है, जिससे मैं इंस्पायर हुई. मतलब कैसी हो? ठीक हो, पक्की बात है. तो आज यहाँ पर बेसिकली इनका बर्थडे हो रहा था. हैप्पी बर्थडे टू यू. और मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है वो तुम्हें ढेरों विशेस देंगी और हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगी. और आयशा कैसे शुरू हुआ? ये सबका मेरा जो कि सोशल वर्किंग है वो तो 7-8 साल हो गए मुझे चीज में. बेसिकली जो स्पेशल वुमन होती हैं उनके लिए बहुत मसले मोबाइल होते हैं. इस सोसाइटी में निकलना, बाहर करना सब कुछ कोई आसान काम नहीं. लोगों को सिर्फ दिखता है कि जी बंदी स्माइल का ये बंदी हाथ रही है और बट अंदर की चीज़ों का अंदर का करता है.
Subscribe it and share it with your friends. Okay, take care. Allah Hafiz.